हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, हाउ डज इट गेट इन्वॉल्व। इस सबसे पहले हम लोग जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ को अगर ध्यान से देखें और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखें तो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री है दैट इज़ द न्यूएस्ट वन। ये इंडस्ट्री जो है ये अगर आप देखें तो इसका पूरा लाइफ स्पैन अभी हार्डली 70 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है। तो विद इन द 70 ईयर्स ऑफ द स्पैन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है इसने बहुत लीप एंड बाउंड्स में ग्रोथ किया है। एंड नाउ अ डेज द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और इज़ अफेक्टिंग ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, वेदर इट इज़ लाइफ साइंस, एयरोस्पेस, रेलवेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ई कॉमर्स साइट्स एंड एवरी थिंग। आई डोंट थिंक सो कि एनी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ और सोसाइटी इज़ अनअफेक्टेड बाई द कंप्यूटर्स। सो बाई जस्ट इवॉल्विंग 17th ईयर अगो हाउ अ टेक्नोलॉजी कैन इवॉल्व सो मच, दैट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग। हाँ, ये बहुत अजीब बात है कि पिछले 70 सालों में जो टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ी, अगर हम देखें तो पुराने समय में जो हमारे कंप्यूटर होते थे उनका जो साइज़ होता था वो एक फ़ुटबॉल स्टेडियम के बराबर होता था, और शुरुआत में जो बनाए गए थे कंप्यूटर्स वो बहुत बड़े साइज़ के थे और बहुत कॉस्टली भी थे, और उनको जो बनाया गया था वो बनाया गया था इस पर्पज़ को ध्यान में रख के कि वो किसी साइंटिफिक रिसर्च में या डिफेंस की किसी बड़े कॉम्पिटिशन को सॉल्व करने के लिए। स्टार्टिंग में वो केवल कंप्यूटेशनल एनालिसिस के लिए यूज़ किए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब लेकिन जैसे समय चेंज हुआ उसके साथ क्या हुआ कि कंप्यूटर का साइज़ रिड्यूस हुआ। यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट कि कंप्यूटर का साइज़ बहुत रिड्यूस हुआ। द कंप्यूटर दैट यूज टू बी अ साइज़ ऑफ फुटबॉल स्टेडियम दैट रिड्यूस्ड इट्स साइज टू अ स्मॉल, सो स्मॉल दैट इट कैन बी रिड्यूस टू बी प्लेस्ड ऑन डेस्कटॉप। इसको डेस्कटॉप पे रखा जाने लगा। स्टिल इट वॉज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली था। तो इन स्टार्टिंग इट वॉज नॉट सो चीप कि सो द कॉमन मैन कैन परचेज इट। हाँ, सो स्टिल देन द साइज रिड्यूस्ड बट इट वॉज स्टिल अ कंप्यूटेशनल डिवाइस यूज फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइज। बट लेटर ऑन व्हेन द इंटीग्रेट आईसी चिप्स वर इन्वेंटेड इसका साइज और छोटा हो गया, कॉस्ट बहुत कम हो गई और कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप बन गए जिनको कि हम लोग अपने सिस्टम पे यूज़ करने लगे। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट लीप देखा जब हमारा जो डेस्कटॉप होता था जो कि एक सिस्टम पे स्टेबल होता था वो हमारा लैपटॉप से रिप्लेस हुआ। लैपटॉप वेयर वेरी लाइट वेट डिवाइसेस विथ बेटर कंप्यूटेशनल कैपेसिटी एंड विथ मोर विच वेर मोर पावरफुल एंड विच वेर पोर्टेबल ऑल्सो। नेक्स्ट हमने देखा कि ये मोबाइल्स आए, जो मोबाइल्स एंड टैबलेट मेक दैम इवन मोर हैंडी, और हम उसके ऊपर उनकी कंप्यूटेशन पावर बहुत बढ़ गई। आज आप लोग बड़े से बड़े गेम्स एप्लीकेशंस जो हैं वो मोबाइल पर रन करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने कॉन्सेप्ट में आ चुकी है। तो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से गई और ये सारा डेवलपमेंट हुआ। और आपने साथ साथ अगर लैंग्वेज वाइज देखें तो बहुत सारी लैंग्वेज चली, शुरू में बेसिक्स, पास्कल, पाइथन, पास्कल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, पर्ल, दे आर नंबर ऑफ लैंग्वेज नाउअडेज, C++, जावा, .NET, .C#, एंड नाउ पाइथन, मैटलैब, देर मैनी मोर लैंग्वेजेस, फोर्ट्रॉन, मैनी मोर लैंग्वेजेस दैट एग्जिस्ट टुडे। सो दे आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, हार्डवेयर इज ऑल्सो डेवलपिंग सो वेल, सो इन सो फास्ट वे, प्रोग्रामिंग स्टाइल ऑल्सो चेंज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट केम, क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट केम, distributed computing, many terms were invented and many new technology were invented, the client server architecture, the different technologies evolved, and within 70 years of a span that affected every field of life, that so much and number of different organizations were working on it. So ek tarah se sabhi is pe kaam kar rahe the, sabhi taraf isme kaam ho raha tha, and there was no universal body that could regulate that. What are the practices they are following? Which practice among these is the best one? What should they follow? What should they do? Because in starting there was no monitoring authority, and later on some group of software engineering institute was developed. That was a
group of the experts which decided that which software practice is considered to be the better than the other properties. Because of this, later on, the society, computer society evolved so much, and now we are trying to regulate it. What are the proper requirement that we want to regulate these software standards? The requirement can be, this can be easily understood by the IBM report, statistics reports that shows that 31% of the projects, 31% of the projects, 31% of the projects are cancelled when they are or failed. 31% of the projects are failed because they cannot be completed because of some or other reason. Similarly, around 53% of the project becomes over budget, and budget is just over budget means here that 189%. Can you imagine that the half of the project's budget reaches up to the there are 189% increase in their budgets. And similarly, the out of 100, 94 project restarts. That's where it shows that the practices that software industry currently follow are very unpredictable and they are cannot be very much reliable. What are the shortcomings of these techniques that they are following, that project are not even, projects are over budget, projects are delayed, project even fail, 31% of the project fails, and 94 out of 100, 94 projects restart, then there must be some, there is a great chance of improvement there. To find out what are the problem in the system and what we have to remove, first we have to identify that what are the actual problem. हमें ये पता करना पड़ेगा कि इतनी सारी problems जो आती हैं, उन सारी problems की वजह क्या है। जैसे industry में अगर इतने सारे, आप लोग जानते हैं कि सभी MNCs में बहुत ही intellectual person होते हैं and they are not lethargic, वो था ऐसा, they are not lazy people, they work very hard day and night. But how, why such so intellectual person who works day and night so hard, they do so hard work, वो क्यों fail हो जाते हैं, क्यों उनके 30% project fail हो जाते हैं? इसका मतलब है कि हम अपने project को जब हम लेते हैं उसकी चीज़ों को assess नहीं कर पा रहे हैं. Lack of experience, but no, there are people who are 30 year experience, 40 year experience in software industry. So to find out the cause, first we have to identify that why it is, what are the cause of this, and then we try to control these things. Here I am going to show you that what are the major software crisis that arises, to make you understand that what could result if we make a project with least consciousness or least responsibility. Because it is not so कि हम अपने project को केवल within time deliver कर दें. It is also very very important कि we deliver the project within time and without any error and within budget. We have three targets: without any error, within time and within budget. So I am going to mention you few of the most common errors which have came into the software industry. And among all these problems, जो सबसे famous problem थी वो थी हमारी Y2K problem. तो Y2K problem क्या थी उसको मैं बताता हूँ. देखिए Y2K problem हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, तो Y2K प्रॉब्लम की हम लोग बात कर रहे थे. Y2K प्रॉब्लम आई थी आपकी 1999 में. उस समय ऐसा हुआ था कि द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वर डेवलप्ड एट दैट टाइम, उसमें ये होता था कि कंप्यूटर में हम अपने ईयर को 2 बिट्स रिप्रेजेंटेशन देते थे. जैसे कि अगर हमारा कंप्यूटर में हमारे ईयर्स होते थे, मान लीजिए 79, 78, 81, 85, 87, 99, up to 99, this system of 2-bit representation of year worked very well. Because, but after that, when after 99, year 2000 came, the 2-bit that used to represent the 2000 were 00. And in that situation, if we use represent just 00, computer could mistaken this as a year 1900. So
So that could arise a problem because in ambiguous situation, computer hangs. We all know that computer decide yes or no. But if a situation is two yes or two no, it cannot decide which one is correct. So in that situation, generally computer hangs. So people and it is not easy to just transform the year from 2-bit to 4-bit at the so simply, because all the modules are related with each other. Suppose you modify at one module, but in the another module the year representation is still 2-bit representation. So people thought that computer will hang up when year 2000 will start, and suddenly all the computer will hang out, and because of that all the system which are automated or use computer as a controlling device will stop working or stop working, like the airline services, the airborne services, and the hospital, some in advanced European city hospital managements and enterprise management were also done by the used to be done by the softwares. So metros, power supply, most of the work is done automatically by some program. So they thought that this will create a very great crisis, and a lot of hues and cry were made during that time. And interestingly, at that time a lot of hue and cry was created, because and billions of dollars were spent to fix that problem. But later on it was found that this problem was not actually that much serious and affected the least, but the million of dollars were spent and most of the companies stopped their working for few days because they thought that it will create a great problem. Aur unhone us samay mein bahut paise kharch kiye, sab kuch kiya, lekin aisi koi problem itne bade issues ko generate hue nahi, unfortunately. और तो लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम जिसको इतना कंसीडर नहीं किया गया उस समय, तो ये 2000 के स्टार्टिंग में सभी को बहुत टेंशन में रखा, और इट वॉज अच्छा हुआ ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बहुत कुछ इसके ऊपर दिमाग खर्च हुआ, बहुत से लोगों ने बहुत पैसा बहाया इसके ऊपर. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है गल्फ़ वॉर से. 1991 में गल्फ़ वॉर हो रही थी, उस समय में इराक और के अगेंस्ट अमेरिका और उसके अलाइज ने मिलकर के उसको अटैक किया था, क्योंकि इराक ने कुवैत में इन्वेड किया था. तो उस समय इराक ने कुछ मिसाइल्स लॉन्च की थी जो वो टारगेट करता था अमेरिकन अलाइज पे, और अमेरिका पे जो स्कर्ड मिसाइल थी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ होती थी, सिस्टम होता था पैट्रियट मिसाइल. तो पैट्रियट मिसाइल जो यूज़ होती थी कि वो कोई भी मिसाइल अगर लॉन्च हो इराक से तो उसको हिट करने के लिए, एंड इट वर्क वेरी एफिशिएंटली एट दैट टाइम. बट शुरू में तो इसने बहुत अच्छा काम किया, पर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक फेमस इंसिडेंट आया कि ये मिस भी होने लगी. और कुछ समय एक समय बाद तो आया जब इसने एक US की मिसाइल ने, जो कि पैट्रियट मिसाइल थी, उसने एक US स्कर्ड मिसाइल को तो नहीं मारा, बल्कि उसने एक US बेस के ऊपर जाके गिरी और उसमें 28 सोल्जर्स की डेथ हो गई. दिस वॉज अ ग्रेट फेल्योर फॉर अमेरिका, एंड दिस हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग एरर इन द सिस्टम क्लॉक, बिकॉज आफ्टर 14 आवर इट क्रिएटेड अ बैकलॉग दैट एक्यूमुलेटेड टू अ सो हाई वैल्यू that it was no longer accurate. And the Dehran attack in Dehran is a place in Saudi Arabia where the Patriot missile failed because it was working for at least around 100 hours. So this small mistakes of time that was created because of the time backlog created the malfunctioned the tracking system, and because of that the US missile hit at its own base and 28 US soldier died. So you can imagine that a small mistake in the software can harm to a great extent, okay, if it is on some major project. Okay, now the third case is the 1996 a US
market chain, you may say that the great consumer market chain, retailer chain launched a software, and that software was developed in a hurry. The developer designed the software within time, but they forgot that they have not given the proper time to analyze the actual requirement and the complexity that could arise. Because of that, after installation, the system start working when the complex operations were given to the software, and because of that, after 1 month, the retailer chain software stopped working, and they started doing their calculation work by pencil and pen. And this kind of failure is very much unexpected, or say company ki reputations or bhi suffer karti hai, and a lot of data is used, and your credibility also goes down. So isliye when you dispatch a software, you should be sure that it would not create any error and it would not create any harm to the client, your client. So, okay, the next problem is the Ariane 5 rocket launcher, spaceship. इन एरियन 5 वॉज अ स्पेस रॉकेट, ये एक स्पेस रॉकेट था जिसके थ्रू हम लोग बहुत से सैटेलाइट्स को क्या किया जाता है, स्पेस में भेजा जाता है. तो अमेरिका का एक बहुत एम्बिशियस स्पेस रॉकेट था एरियन 5, जिसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसिव सैटेलाइट रख करके स्पेस में भेजे जाने थे, और वो इंश्योर्ड नहीं थे. और ये जो एरियन 5 स्पेस रॉकेट जो बना था, वो 10 साल की मेहनत से बना था, और इसको अराउंड $7,000 million के बजट से बनाया गया. That is so huge amount. इतने बड़े बजट के साथ 10 साल की मेहनत के बाद with space rocket it was launched, and within 5 minutes it got destroyed. And the reason was not very small reason, because it used a 64-bit format. It used a 16-bit format to store a 64-bit data. It could not be converted. The sideway velocity of the rocket was stored, was to convert from 4-bit format to a 16-bit format. But it got overflowed, and because of which Ariane 5 space rocket exploded. This kind of scene, so much of money and so much time and so much effort got lost just because of a small error. So you, in case of software, you cannot ignore a simple thing. क्योंकि आप जानते हैं software छोटी सी भी गलती में वो common sense, it lacks common sense. It will do only the thing that you define. अगर आपने कोई चीज़ नहीं बताई है तो ये उस चीज़ को कभी भी नहीं कर पाएगा. तो ये सारी चीज़ें आपकी requirement होती है कि आप कोई भी software delete करते हैं, release करते हैं, तो आपको उसको पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है कि वो सारी टेस्टिंग आपने कर रखी है, इट इज़ वेल वेरीफाइड. बट इसके बाद भी आपको एक चीज़ बताई जाएगी कि कोई भी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर की गारंटी नहीं देती. अगर कोई सॉफ्टवेयर में आपके प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी कंपनी उसकी गारंटी नहीं देती है. इस चीज़ को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपने कभी भी जो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो, उसके ऊपर गारंटी नहीं होती है. जैसे कि XP का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके ऊपर कंपनी ने बोल दिया कि आफ्टर 2011 इफ सम बैंक यूज द XP एज ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन इट्स ATM मशीन, इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी malfunction और फ्रॉड. क्योंकि जैसे जैसे आप लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, बग्स उसमें से मिलते हैं, और उन बग्स को लेकर के अगर कोई नया अटैक आता है, तो सॉफ्टवेयर में उसको दे करके अपग्रेड की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन अगर इस तरह की कंपनी, जो जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, उसने अपग्रेड देना बंद कर दिया, तो उसमें फॉल्ट आ सकती है. और कोई भी कंपनी, किसी भी बड़ी कंपनी हो, वो अपने सॉफ्टवेयर को लेके गारंटी नहीं देती है. तो आपको ये लग रहा होगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बड़ी डिसऑर्गेनाइज है, कोई प्रोडक्ट का टाइम पर डिलीवर नहीं कर सकते, बजट भी बढ़ सकता है, फेल भी हो सकता है, और इतने बड़े बड़े फेल्योर भी देखे, कोई गारंटी भी नहीं है. तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसा लगता है जैसे बड़ी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है. तो इस चीज़ को महसूस करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रुप जो था, जब भी मैंने आपको दिखाया था सॉफ्टवेयर की, यहाँ पर आपको दिखाया SEI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इन्होंने मिल करके
एक स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट बनाया है जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि कैसे सॉफ्टवेयर, हमारे सबके अपने अप्रोच हैं, वी आर नॉट सेइंग दैट सम अप्रोच आर रॉन्ग, बट व्हाट आर द बेस्ट वन अमंग दीज, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर द अप्रोचेस थ्रू विच वी कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे, वी कैन सो दैट वी कैन प्रोडक्ट डिलीवर इन प्रोडक्ट विद इन टाइम विद इन बजट एंड विद इन टाइम विद इन बजट एंड विदाउट एनी हेल्प। सो इसके लिए हम लोग कोई सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डील करेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना है कि क्या क्या फॉर्मेट हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना एक रिलायबल सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, अब आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें और बताता हूँ। नो सिल्वर बुलेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रैक्टिस को जानने के बाद आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन इस ऐसा नहीं है कि आप कभी देर इज़ नो, हम लोग कुछ जानते हैं कि कुछ कंप्यूटर साइंस में कुछ केस टूल्स आते हैं, इसको हम लोग केस टूल्स जो होते हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, ये आपके टूल्स को कुछ कोड्स को ऑटोमेटिक जनरेट कर देते हैं। लेकिन ये उस तरह से होगा कि अगर आप इमेजिन करें कि किसी को पास वर्ड है, वर्ड में स्पेलिंग करेक्शन तो हो जाता है, अगर इफ़ यू टाइप सम रॉन्ग वर्ड स्पेलिंग देन इट इट हाईलाइटेड हाईलाइट्स है, बट इट डज नॉट मीन कि आप वर्ड के पे आपने काम करके आप कैसी भी इंग्लिश लिख सकते हैं। तो केस टूल्स हैं, दे आर सम मेथड्स सम प्रोसीजर्स यू कैन फॉलो टू गेट द बेटर रिजल्ट, बट देर इज नो शॉर्ट टेक्निक टू परफॉर्म एवरीथिंग इन वेल। तो हम इसके बारे में कुछ चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे समझेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको समझना होगा कि सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका ही होगा, उसको ही हम लोग कहेंगे बस यही एक, दिस इज़ द ओनली वे थ्रू विच वी कैन डेवलप द सॉफ्टवेयर। देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक एंड नंबर ऑफ मैथड्स थ्रू विच वी कैन से दैट द कि हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा रेगुलेट कर सकें, वी कैन इम्प्रूव इन प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी। सो ये सारी चीज़ें हैं और इसको वन बाय वन देखेंगे। तो एक और भी इसमें से चीज़ है जिसको हम लोग देख सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल में तो हम लोग इतने पे ही रखते हैं और इसको मैं शॉर्ट में एक बार समराइज कर देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया। अगर आप इसको किसी भी बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो इतना तेज़ डेवलपमेंट और इंडस्ट्री में नहीं आया, लेकिन इतनी अनसर्टेंटी और इंडस्ट्री में भी नहीं है जितनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ बजट टाइम एंड एरर। तो हम इन सारी इस इंडस्ट्री के तेज़ी से होने वाले डेवलपमेंट के साथ कोप अप करते हुए उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाते हैं और कुछ चीज़ों को फॉर्मेटाइज करते हैं जिससे हमें बेटर सॉफ्टवेयर मिले। तो इस चीज़ के बारे में जो स्टडी होती है हम लोग उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। और सॉफ्टवेयर में कुछ मिथ्स भी हैं, तो सॉफ्टवेयर के कुछ मिथ्स होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे कल। कि जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ ईजी टू चेंज, सॉफ्टवेयर तो हमारा बहुत सिंपल पार्ट होता है, उसको हम लोग बहुत ईजी से चेंज कर सकते हैं कभी भी, बट इट इज़ नॉट दैट वे, नॉट ऑलवेज, इट डज नॉट ऑलवेज, इट डज नॉट हैपन ऑलवेज, बिकॉज इसमें कभी कभी हर चीज़ें इतनी ईजीली मॉडिफाई, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। तो कुछ मिथ्स हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर को कभी भी पुराना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं होगा, वो बात सही है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, हो सकता है फ्यूचर में उसमें कुछ बग्स मिल जाए, और टेस्टिंग के साथ इसमें हमेशा बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को हम लोग कल देखेंगे इसके मिथ्स के बारे में। तो इतने पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू।